नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं हनुमान मंदिर पर, गुड़गांव रोड पे। आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर है और आपको बता दें कि यहाँ जी काम है। ये गेट क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित फागना, गांव भाकरी जी। ये हर साल हनुमान मंदिर सामने अपने जानबूझ के गिरते हैं, इनका हर साल का काम है। इनका गोश्त क्या हुआ है? इसमें गोश है, गाय बकरी भैंस वैस सब चीज का गोश है। इसके सामने गिरते, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ है, कहीं गिर सकते हैं। इसके से इसके सामने क्यों गिरते है? ये मतलब हिंदू कमजोर है क्या? हैं, गिरा हुआ है इधर पूरा। हिंदू कमजोर हो गया क्या? अब जगह 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 घेर रखा, बताऊं इनको सरकार ने इनको जगह दी है, उसमें कत्ल खाना दिया, कत्ल खाने में अब कत्ल करो, अच्छा है? हिंदू कमजोर बहुत जगह पड़ी है, कोई मंदिर इनका खुद का पहाड़ है, उसमें घेरो अपने पहाड़ में, मतलब रोड पर क्यों घेर रहे हो, मंदिर के सामने क्यों घेर रहे हो? हमारे की भावना नहीं है, बिल्कुल इनका इनका त्योहार है, हम कुछ हुआ हो तो हमारी तरफ से ये आपसे आपसे ऐप करते हैं तो अपन जानबूझ कर रहे हैं। इस वजह से आज ये यहाँ पे पड़ा है। अरे अपना गड्ढा खोदते उसमें उसमें नमक डाल के उसको नष्ट करते हैं, रोड डालने का मतलब वो मंदिर के सामने, इतना यहाँ से लेकर रावली पर्वत राजस्थान तक कहीं गिरो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हनुमान मंदिर सामने, हनुमान मंदिर इनको पता, सबसे बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, इसके आगे गिरेंगे तो दंगा होगा। ये आपसे दंगा करना चाहते है, भड़काना चाहते है हमको, जानबूझ के इनका हर साल का काम इनका पूरा दिख रहा है, आपका दिखाते हैं। फरीदाबाद जैसा कि बता रहे हैं कि कल ईद थी और ईद पर जो मांस काटा गया था, वो मांस का जो वेस्टेज है, जो बचा हुआ होता है, वो सारा हनुमान मंदिर के सामने फेंका है। ये सामने हनुमान मंदिर है, सबसे बड़ा हनुमान मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, ये सामने ये देख सकते हैं। हमें ये नहीं है ये गाय का भैंस का, ये मंदिर के सामने हमारी हिंदू धर्म की, ठीक बिल्कुल ये हिंदू धर्म का, ये भी जो इन्होंने अपना त्योहार मनाया है और ये सारा मलबा, मैं महेश फागना वांकरी गांव से हूँ, इन्होंने पिछले साल भी यहाँ पे आगे डाला था, मंदिर के पुजारी ने मेरे को फोन किया था, हमने पुलिस बुलाई, उस समय भी इसको हटवाया गया और ये हमारे जानबूझ के माहौल को खराब करने के लिए मंदिर के सामने डाला गया। क्या इतना बड़ा पहाड़ पड़ा है, कहीं भी डाल सकते थे, ये जानबूझ के यहाँ क्यों डाला गया? इससे हमारी हिंदू धर्म की आस्थाओं का आहत होती है। तो मांग क्या रहेगी आप? भाई मांग ये है, इसकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं आजकल जगह जगह, उनको पकड़ के उनको कड़ी सजा होनी चाहिए उनको, बिल्कुल दिख जाएगा। ये छोटी मोटी वारदात नहीं है, इससे अभी कितने लाखों लोग भड़क जाए, क्या हो जाएगा, माहौल खराब होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये बता रहे पुजारी जी, कह रहे हमने कल पूरे दिन इसलिए चौकसी करी कोई यहाँ गंद ना गिर जाए, उसके बाद ये पूरी रात थोड़ी जागेंगे, ये सो गए, इससे इधर हटा के डाल दिया, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। वो भी हनुमान मंदिर के सामने ये मंदिर है हमारा, आज यहाँ दूर दूर से लोग जी। सर क्या कहें भाई, डॉक्टर आ रहा है, इसका जो सैंपल भरवा देते हैं, सैंपल भरा जाएगा, कार्रवाई करेंगे, ऐसे साइड में डालना गंदगी तो गलत बात है ना। सर ये भी नहीं कि कहीं अंदर डाला हो, नीचे बिल्कुल ऑन रोड पे, हाँ साइड में डाला है, साइड में डाला है, ये देख सकते हैं आप। पहले भी यहाँ एक गाय को काट दिया था रात को, उस समय भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था, पूरे फरीदाबाद का पुलिस प्रशासन यहाँ इकट्ठा हुआ था, तो ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, हर साल ऐसा हो रहा है, एक बार नहीं। देखो तुम कल ही हुआ था रात को, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो, तो ये क्या क्या है इसका कारण, क्यों ये ऐसा करते हैं बार बार? देखिए माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये आज हम इनकी मस्जिद के सामने अगर कोई कुछ डाल दे तो क्या हाल होगा, ये रोडों को जाम कर देंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे सब लोग। और वो भी बजरंगबली की मूर्ति के सामने है, बिल्कुल जो भी है इसके सामने। अब ये पूरे धर्म के ऊपर बात आ रही है, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर
गलत हो रहा है। और मुसलमान अभी मस्जिद के सामने ये चीज डलवा दे, दो मिनट में खराब हो जाएगा सब चीज। लेफ्ट में अभी उधर थोड़ा फ्लाई एस उठ रही है, इसलिए उधर नहीं गए, यहाँ डाल दिया। वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं रात में, वहाँ भी डल रहा है अब, और आगे भी डाल दिया इन्होंने, जानबूझ के डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में पूरा ट्रक खाली किया ट्रक से है। और जैसा कि जो गुड़गांवा रोड पे अपना यहाँ पे कोई मीट का कचरा पड़ा हुआ है, कल ईद थी और ईद में जो बलि देते हैं बकरे की या पड्डे की, उसका कचरा यहाँ पे डाल गए। अच्छा, उसका कचरा डाल गए तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? क्या इस तरीके से हिंदू की नहीं कार्रवाई होगी? इस तरह से डालना गलत है जी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फरीदाबाद तमाम पुलिस फोर्स भी यहाँ पहुँच चुका है। और आपको बता दें कि जो लोग हैं आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। और बिल्कुल ठीक हनुमान मंदिर के हनुमान की जो मूर्ति बनी है हनुमान जी की, बिल्कुल उस मूर्ति के सामने यहाँ पे जो ये फेंका गया मांस, और बहुत बड़ी संख्या में है, कोई ट्रक भर के फेंका है, गाड़ी भर के, ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा हो, पूरा गाड़ी ट्रक भर के है। और बदबू बहुत ज़्यादा है यहाँ, अब आप समझ सकते हैं। जब तक FIR नहीं होगा, FIR होनी चाहिए उनके ऊपर जो भी है। और आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई यहाँ पूजा करने आएगा मंदिर पे आएगा तो वो भी यहाँ नहीं रुक पाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो बदबू है वो बदबू बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ मास फेंका गया है, जिसकी बदबू है, जिसकी वजह से यहाँ रुका नहीं जा रहा। और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। हनुमान मंदिर जो मूर्ति है हनुमान जी की, सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ फरीदाबाद की पहाड़ पर जो बनी है, उस मूर्ति के ठीक सामने क्या मनसा है इन लोगों की, जो ये इस कदर ऐसे काम कर रहे हैं, जो मास को और मंदिरों के सामने या मूर्तियों के सामने फेंक रहे हैं, जिससे जो धार्मिक स्थल पर जो झगड़े हैं दंगे हैं वो भड़कने की आशंका रहती है। हमारे क्षेत्र की सुंदरता बढ़ी जाए, ऑक्सीजन रहे, और इसमें ये गंदगी डाली जा रही है। सही बात। कब डाला है कैसे कोई? ये रात को डाला है। क्या करें भैया, इतना अगर पता होता किस टाइम डाला फिर हम ही ना आ जाते, हम ही कर लेते फिर एक्शन अपने आप। ये कल ईद थी, कल ही गिराए ईद के टाइम। हाँ, कल ईद थी, कल ही गिराए। माहौल को खराब बताया छोटे भाई ने, मंदिर पीयूष ये भाई सुबह बाबा को छोड़ने आया था, ये रहा, इसने बाइक पे देखा था और इसने हमें बताया था जब हम यहाँ। क्या नाम है? पीयूष भागना। कैसे पता लगा? मैं यहाँ सुबह गुजर रहा, बहुत बुरी बदबू मारी, यहाँ भी पड़ा है और आगे मंदिर के जस्ट सामने बकरा पड़ा है और थोड़ी सी आगे और पड़ा है। और कहीं बाहर के नहीं है ये, बटकर में कम से कम 40-50 दुकान है मेन रोड पे ही है, वहीं पे कटती है। और गाय का बगा तो बाहर बड़ा देख लो, पीछे कट है। गाय का मांस अलग है, सब कट है। कल से पहले पड़ा होता तो भी पता लग जाता। ये रात को गिरा है, रात को जब हाँ। बता रहे दिन में तो अभी गिरा है, ये सुबह ही गिरा दिन में। ये हड़ताल भी इधर भी है, जानपुर उधर भी डाल रखा, जगह जगह भी डाल रखा है, थोड़ा थोड़ा हर साल जब भी मस्जिद इधर भी एक ट्रोल इधर भी है उधर भी डाल रखी है। ये मंदिर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मंदिर है, यहाँ से ये 50 मीटर भी नहीं है यहाँ से मंदिर। हर साल जब भी बकरा ईद होती है तो ये हर साल होता है, बजरंग बली का मंदिर यहाँ ही होता है, यहाँ होता है, वहाँ होता है, 100-200 मीटर दूरी पर जी। आगे तक अवैध दुकानें बनी पड़ी है, उन्हों को तो ये हटा नहीं रहे और इसे हटाने के लिए बहुत जल्दी आ गए हैं जी। मतलब गलत चीजों को ये रोक नहीं रहे और ये सही जो हम सही काम कर रहे हैं हमें रोक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद यहाँ तमाम लोग जो गांव के हैं वो मौजूद हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ जो मास पड़ा है इसको लेकर प्रशासन अभी सख्ती बरत रहा है और देखता है, जांच करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है जांच में सामने, कौन था कौन नहीं। जोड़ेंगे आपको शहर के ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।